दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इस टाइप की वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जो फोटोज़ आते हैं उसके बाद प्रोफाइल शो करते हैं। तो इस टाइप की वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। और उसके बाद चलिए हम सीधे और जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं गाइस। तो सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत से यहाँ पर क्रिएटर्स यानी कि यूट्यूबर्स बताते हैं कि आप लाइट मोशन का यूज़ कीजिए, जो कि काफ़ी हार्ड लगता है एडिट करने के लिए। तो सिंपल आपको VN एप्लीकेशन से एडिट करना सिखाऊंगा। तो चलिए VN एप्लीकेशन में आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, वेट करना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में जो एक वाटर मार्क का जो वीडियो दिखाई देगा इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको फिंगर की हेल्प से इस तरीके से इंक्रीज़ करना है फ़ोटो का साइज़। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए टैप टू ऐड स्टिकर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और वीडियो एंड फोटो में आइए और फिर से उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस वीडियो को आपको लेफ्ट साइड में इस तरीके से लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आगे आना है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ऊपर वाले वीडियो को ध्यान से देखिए, जहाँ पर इमेज आएगा यानी कि प्रोफाइल का फ़ोटो आएगा, जिस भी प्रोफाइल का फ़ोटो, तो आपको उस प्रोफाइल के फ़ोटो को यहाँ पर लगाना है। यानी कि आपको तीनों प्रोफाइल के फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना है, फेसबुक के प्रोफाइल का, फेस और जो है व्हाट्सएप के प्रोफाइल का और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का, तीनों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद इस तरीके से आगे आना है। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर व्हाट्सएप का यहाँ पर लगा हुआ है फ़ोटो, तो आपको जो नीचे वाली वीडियो है इसको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आगे लेके आना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ रही है यहाँ पर, तो इस तरीके से नीचे स्प्लिट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरीके से आगे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से स्प्लिट कर देना है। उसके बाद फिर से आगे आना है, यहाँ पर स्प्लिट करना है फिर से, और फिर से यहाँ पर देखिए फिर से स्प्लिट कर देना है। उसके बाद फिर से आगे आना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसे स्प्लिट कर देना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर व्हाट्सएप का जो वीडियो है इसको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जो है व्हाट्सएप का फ़ोटो आप लगा लें, यानी कि स्क्रीनशॉट जो आपने व्हाट्सएप का लिया था उसे आपको लगा लेना है। लगा लिया, ऊपर देखिए ओरिजिन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक कर इसे 916 में कर दी। उसके बाद फिर से आगे आना है। अब है हमारे फेसबुक के बारे, फिर से इसके ऊपर क्लिक करें, रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करें, फ़ोटो एंड में आए और आपको फेसबुक की फ़ोटो यहाँ पर लगा लेनी है। आपको फिर से आगे आना है यहाँ पर, जहाँ पर अभी इंस्टाग्राम का यहाँ पर लगा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें और रिप्लेस के ऊपर क्लिक करें, फ़ोटो पर आए और आपको इंस्टाग्राम की इमेज आपको लगा लेनी है। देखिए लग गई। अब आपको क्या करना है, FX लगाना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे FX का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर काफ़ी सारे FX आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, कुछ इस टाइप के आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे FX आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई भी FX आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे FX आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको ये वाला FX लगाना है, ये वाला जूम आउट का, ये अच्छा इफेक्ट्स है। तो ये यहाँ पर अगर आपको जो इस तरह का सेम टू सेम इफेक्ट्स चाहिए तो आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर ये इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ़िलहाल आप इस इफेक्ट्स को यूज़ कीजिए तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा। किसी भी इफेक्ट्स को आप यूज़ करके इस तरह के वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वीडियो को सेव करना, एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और वीडियो को सेव कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपको डिलीट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए और आगे वाली जो वीडियो है यहाँ पर देखिए ये वाले स्टिकर वाली, इसको स्प्लिट कर देना है और इस तरीके से आगे ले करके इसे डिलीट कर देना है। डिलीट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, चलिए गाइस इस वीडियो में बस इतना ही।